से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशन ग्रंथ के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तीसरे क्लास के अंदर इस प्रकाशन ग्रंथ को किसने लिखा, उनकी रचना शैली क्या है, उस शैली का खासियत क्या है, इसके विषय में आज के क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। शुरुआत ही प्रकाशन ग्रंथ को योहन नाम से एक व्यक्ति के द्वारा लिखा है, और हमें मालूम है संत योहन जो 12 शिष्यों में एक शिष्य, उनके नाम से ही ये किताब को लिखा गया है। लेकिन इसका जो लिखने का जो रचना शैली को यदि हम देखें, पवित्र बाइबल के अंदर नए विधान के अंदर ही 5 ऐसे किताब हमें मिलेगा संत योहन के नाम पर। योहन का सुसमाचार और 3 पत्र और ये प्रकाशन ग्रंथ। यदि अन्य जो किताबों को लिखा और इस ग्रंथ को जो लिखा हुआ उसके शैली को अगर देखेंगे, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए बाइबल पंडितों का मत है ये स्वयं संत योहन जो प्रेरित है उनके द्वारा नहीं लिखा, बल्कि उनके शिष्य समूहदाय में कोई व्यक्ति संत योहन के नाम से लिखा है। तो संत योहन को ग्रंथकार के रूप में जरूर दर्शाया है, बताया है, और संत योहन को जो दर्शन मिला उसके विषय में संत योहन ने जो अपने शिष्य लोगों को बताया और उन लोग कलीसिया को जो सिखाते आ रहे उसको ग्रंथ के रूप में लिखा है, ये बाइबल पंडितों का मत है। क्योंकि इसका जो रचना शैली, जो लिखने का जो शैली है, जो तरीका है, इसको अपोकलिप्टिक कहते हैं। अपोकलिप्टिक एक ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है कुछ निगूढ़ रहस्यों को प्रकाश में लेके आना, कई चिन्ह के द्वारा, कई इशारों के द्वारा, कई उदाहरणों के द्वारा कुछ निगूढ़ रहस्यों को प्रकाश में लेके आने वाला उस तरीका, उसको अपोकलिप्टिक कहते हैं। अपोकलिप्टिक रचना शैली को भी हमें समझने की जरूरत है। उस रचना शैली शुरू हुआ BC 200 और 100 के बीच में, AD 100 के बीच में, BC 200 से लेकर के AD 100 के बीच में इसराइलियों के बीच में इस अपोकलिप्टिक जो रचना शैली आए। क्यों, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। इसराइली लोगों का जीवन को देखना है। इसराइली लोग ईश्वर का चुने हुए लोग थे, लेकिन उन लोगों के गलती पापों के कारण सबसे पहले मिस्र देश की गुलामी में जाना पड़ा। मूसा नबी के द्वारा उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़वा करके कनान देश, जो प्रोमिस्ड लैंड, वहां पर उन्हें बसाया। लेकिन वहां पर भी ईश्वर के नियम के विरुद्ध में वे चलने के कारण, ईश्वर के नियम का पालन ना करने के कारण
अंधविश्वास अविश्वास मूर्ति पूजा ये सब ईशी निंदा कार्य करने के कारण वो फिर से बाबुल के गुलामी में गया था। तो इसराइल का फिर दाऊद के समय पर लोगों ने सोचा था हाँ इसराइल पूरा एकजुट हो करके एक महादेश बन कर करके एक शक्तिशाली देश बनेगा, ये ईश्वर के चुने हुए हैं, ये सब जब राजा दाऊद था तब लोगों ने जरूर सोचा था। लेकिन राजा दाऊद के मृत्यु के बाद उनके पुत्र सोलोमन आए, सोलोमन स्वयं ईश्वर के जो नियम का विरुद्ध में वो कार्य किया था, इसलिए सोलोमन के मृत्यु के बाद ये इसराइल दो भागों में विभाजित हुआ। पूर्व जो जो नॉर्थ साइड जो इसराइल कहता था और जो साउथ साइड का जो दो जो गुट है जो दो ग्रुप है बारह गोत्रों में दो गोत्र, दस गोत्र इसराइल बन करके नॉर्थ में रहा और साउथ में दो गोत्र जो यूदा और बेंजामिन ये बन करके एक देश बन करके रहा था। लेकिन कुछ ही समय के अंदर जो नॉर्थन जो साइड वाला इसराइल जो है वो असीरिया के अंडर में चला गया। ये है सन 722 में जो बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्वी 722 में इसराइल जो है दो भाग जो हुआ था उनमें से जो नॉर्थ में जो रहा था इसराइल असीरिया के अधीन हो गया और उनका नामाभिशेष चला गया, उनका नाम ही नहीं है इसराइल कहाँ गया आज किसी को भी नहीं मालूम। सोलोमन के मृत्यु हुआ था BC 931 में। इसके बाद राज्य दो भागों में विभाजित हुआ और होने के बाद एक भाग BC 722 में असीरिया के अधीन हो गया और इसराइल का नाम ही मिट गया था। बाकी रह गया था जो साउथ वाला यूदा, उन लोगों ने सोचा था हम एक शक्तिशाली देश बन जाएंगे लेकिन हमें मिलता है 587 में ईश्वर ने इनके पाप के कारण राजा नबुकदनेस्सर के अधीन दे दिया, बाबुल की गुलामी में यूदा देश भी चला गया था। तो इस प्रकार यूदा देश के ऊपर बहुत फिर से अत्याचार सब चलने लगे और प्रभु ने बुलाएगा नबी यर्मिया के द्वारा घोषणा हुआ था और वो इंतजार कर रहे थे। उस समय पर ये अपोकैलिप्टिक जो किताबें लिखना शुरू किया था, इन लोगों को ईश्वर बचाएगा और राजा से डरना नहीं, राजा के अधीन रह करके प्रभु की आराधना करना है, ये सब समझाने के लिए ये जो रचना रीति ताकि राजा और उनके लोगों को ना समझवाएं लेकिन इसराइलियों को ये पता चल जाए ये क्या है, आपको कैसे जीवन जीना है, ये सब सिखाने वाला ये जो शैली रचना शैली वहाँ पर शुरू हुआ। बाई चांस राजा के हाथ में ये जो रचना पहुँचेगा तो भी उसके अंदर कई चिन्ह इशारा ऐसा ऐसा कर करके होने के कारण ये राजा को पता नहीं चलता था। और उसका कई अन्य उदाहरण भी मिलेगा बाइबल के अंदर, दानियल का ग्रंथ हमें मिलेगा इस प्रकार का अपोकैलिप्टिक रीति से रचना की हुआ है। और जो बाइबल का भाग नहीं है ऐसे अनेकों ग्रंथ है जिसे बाइबल का भाग नहीं बनाया है अपोकैलिप्टिक, ये जो अपोकैलिप्टिक जो लिखावट का कुछ खासियत को मैं अभी बोल करके देना चाहूँगा। दो युग के विषय में इसके अंदर लिखते हैं, पहला जो शैतान के अधीन में जो रहने वाला पाप की जिंदगी जीने वाला उसका विनाश होगा और ईश्वर आकर के एक नवीन संसार का युग का शुरुआत करेंगे, ये अपोकैलिप्टिक जो लिखावट में ये दिखाता था। दूसरा आए है इस युग का अंत जल्दी होने वाला है, एक नया युग शुरू होगा ये इसके द्वारा बता कर देता था। तीसरा
ये जो अंध जो हो रहा होना है वो अभी शीघ्र ही होने वाला है, अब होने वाला है, इस प्रकार इन ग्रंथों को लिखता था। जैसे मैंने बोला है प्रकाशन ग्रंथ में लोगों को ये ढारस बंधाता था, आप सहते रहो विश्वास में रहो, दृढ़ बने रहो, इस प्रकार का। तो अंध निकट है और आपके लिए एक नया युग पास में है, इस प्रकार उसको बता कर देता था। चौथा, पुनरुत्थान के विषय में ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ था है। आज आप सहन कर कर के मर भी रहा है, फिर भी आपको एक आनंद जीवन में प्रवेश करने का, मृत्यु से जीवित होने का, आपका पुनरुत्थान का एक ऑप्शन सामने डालता था। इसके बाद पांचवा अपोक्रिप्ट जो लिखावटी में ये था, मसीह के आगमन के विषय में, मसीह आकर के मसीह युग में मसीह सबों का पापों को क्षमा कर स्वर्ग का राज्य देने के विषय में इसके अंदर अनेकों प्रतीक के रूप में बताता था। और प्रतीकों में बहुत कुछ, चाहे संख्या हो, चाहे कलर हो, चाहे लोहा का, चाहे जानवर का, अनेकों प्रतीकों के द्वारा भी ये जो लिखावटी होता था। और अनेकों बातें सुनना और दर्शन का विषय में, मैंने ये सुना, मैंने ये देखा, इस प्रकार बोल करके लिखने का एक शैली था। अगला है संत लोगों के विषय में हो, या स्वर्गदूतों के विषय में हो, या शैतान के विषय में हो, ये सब अपोकलिप्टिक लिखावट में, रचनाओं में अनेकों जगहों पर हम पा सकते हैं। नौमा, ये लिखने वाला व्यक्ति कोई झूठे नाम लेकर के भी रचना करता था। पहले ऐसा हुआ था, फलाना ये है, फलाना ने ऐसा ऐसा किया हुआ था, ऐसा ऐसा बोल करके अपना रचना को लोगों के सामने लेकर के जाने के लिए, क्योंकि इसराइल में ऐसा भी एक विश्वास था, अभी कोई भविष्यवक्ताओं का समय खत्म हो गया, नबियों का समय खत्म हो गया है, अभी केवल पुरोहित सब ऐसे लोग हैं, कोई भविष्यवक्ता अभी नहीं है, ऐसा ऐसा कर करके लोगों का एक विचार था, विश्वास था। इसलिए बीसी 5 के पूर्व में ऐसे ऐसे लोग सब समाप्त हो गया है, अभी मसीह को ईश्वर कोई ऐसा नबियों को नहीं भेजेंगे, भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, ईश्वर हमसे बात नहीं करता है, ऐसे ऐसा जो सिखाने वाले लोग भी थे। इस कारण जो नया बात अगर लोगों को लिखकर के सिखाना है, इसलिए एक झूठा नाम का सहारा लेना पड़ता था। पूरे पहले फलाना ने ये बोल करके गया है, फलाना नबी ने पहले बोल करके रखा, वो किताब मिला, ऐसे ऐसे बोल करके इस रचना शैली के अंदर इस्तेमाल करता था। और साथ ही साथ कौन भविष्यवक्ता ने क्या बोला था, इस उनका बातों को कोट कर करके लिखा हुआ था। लेकिन यदि प्रकाशना ग्रंथ की किताबों को अगर हम पढ़ेंगे, कई चीज़ें हमें मिलता है, कई चीज़ें इन अपोकलिप्टिक जो ग्रंथ से हट करके भी कुछ रचना शैली जो है, जो नबी लोग अपना जो भविष्यवाणियां जो करता था, उस रीति भी इस अपोकलिप्टिक लिखावट के अंदर मिला हुआ। इसका मतलब प्रकाशना ग्रंथ के अंदर केवल अपोकलिप्टिक की रीति ही नहीं, बल्कि जो नबियों का रीति भी इस्तेमाल किया हुआ है। केवल पहले कभी जो जिंदा जो नबी था उन्होंने ये बताया, ये बोल करके नहीं, बल्कि प्रकाशन ग्रंथ का शुरुआत में ही ये लिखा हुआ है, आप लोगों के साथ सहने वाला जो योहन का नाम लेकर के। इसके बाद युग का अंत के विषय में लोग इंतजार करता था अनेकों वर्षों तक, लेकिन इसके रचना जो है हमें मालूम है, एक इतवार के दिन प्रार्थना के समय पर ये पूरा दर्शन जो कुछ मिला है 22 अध्याय का, एक दिन में ये सब दर्शन मिला था। अनेकों दिनों तक देखकर के बैठने की जरूरत नहीं था। और दूसरी बात है, रहस्यों को सील कर रखने का एक तरीका था, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो 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 कुछ सील्ड था उसको खोलता हुआ हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं।
अगला है युगांध के लिए उसके अंदर नंबर्स सब दे करके काउंट करवाता था, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर युगांध को ऐसा काउंट करने के लिए कोई ऐसा गिनती कुछ नहीं दिया है। और जो अंतिम विधि जो होगा अपोकलिप्टिक जो ग्रंथ के अंदर है, वो जो ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उनको दंड देने के विषय में था, लेकिन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर जो कोई ईसा मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, उन सबों को ऊपर दंड आने वाला है, ये बता कर दिया है। और जो मसीह के साथ जुड़ करके रह रहा है उन सबों को जो आनंद जीवन मिलने के विषय में भी लिखा हुआ है। दूसरा एक बात यह है जो भविष्यवाणियां जो दिया हुआ है वो ईसा मसीह स्वयं हमें दर्शन दिया ये बोल करके इसके अंदर दिया है, किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा बताया हुआ जैसे नहीं, मसीह ने स्वयं प्रकट किया ये बता करके इसको लिखवाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी नबियों का शब्द ही नहीं बल्कि भविष्यवाणी और अभी युग का अंत अभी होने वाला है उसके लिए हमें सतर्क रहना है। जो लोग जीवन के किताब में अपना नाम लिखाया उन्हें स्वर्ग राज्य मिलेगा, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। तीसरा इसका एक खासियत प्रकाशना ग्रंथ का खासियत है, हमें मालूम है एक ये शुरुआत में ही अध्याय 3 अध्याय के अंदर 7 कलीसियाओं को जो लिखा हुआ पत्र, जैसे एक बिशप अपने कलीसिया को जो पत्र लिखकर के जो बताते हैं उसी प्रकार पत्र लिखा हुआ, इसका मतलब जो लिखने वाला व्यक्ति जो 7 कलीसिया को जो पत्र लिखा है उसका अधिकारी है, उसके ऊपर उनका पकड़ है, उनका कहना मानने वाला, वो उनका बनाया हुआ कलीसिया। 7 संख्या सार्वत्रिकता को दिखाता है, इसका मतलब संसार भर के सब कलीसियाओं के लिए इसको, एशिया माइनर के 7 कलीसिया, मैंने बोला एशिया माइनर का मतलब है पीड़ा सह रहा था, सबसे ज्यादा दुनिया में पीड़ा सहन रहा था उस समय पर, उनको लिखा हुआ जैसे, इसका मतलब है जो भी मसीह के कारण कष्ट पीड़ा सह रहा है उन सबों के लिए ये बुक लिखा हुआ है। अगला ये लिटर्जी रूप जो अपोकलिप्टिका ये है, इसके अंदर आराधना का एक रूप भी है। इसके अंदर कई बार मेमने के आराधना करता हुआ और जो सिंहासन में बैठा हुआ उनकी आराधना करता हुआ जमीन तक झुक कर के शहीदों के द्वारा, संतों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु की आराधना करता हुआ, दूपार्पण करता हुआ, ये सब स्वर्गीय लिटर्जी के रूप में भी इसके अंदर दर्शाया हुआ है। और एक प्रकार का नाटक इसके अंदर रचता हुआ भी हमें मिलता है। इस प्रकार अपोकलिप्टिक रचना शैली के साथ नबियों के जो लिखने का भविष्यवाणी का ये सब मिलकर के ये प्रकाशना ग्रंथ को लिखा है। अनेकों प्रतीकों के विषय में बोला, थोड़ा सा उसके विषय में भी बोलना चाहूँगा। इसके अंदर संख्याओं का प्रतीक है, संख्याओं का प्रतीक है, संख्याओं का प्रतीक में कुछ पूर्ण संख्या है, 3, 4, 7, 10 और 12, 3, 4, 7, 10 और 12 इसको पूर्ण संख्या मानते हैं। क्यों? 3 को इसलिए है वो ईश्वर का पूर्णता को दर्शाने वाला है, 3 पवित्र त्रित्व, 4 इस दुनिया का भूमि का 4 कॉर्नर 4 साइड, इसलिए संसार को प्रपंच को इस संसार को दर्शाने के लिए इसको पूर्णता है। 7 कलीसिया है, 7 जो बत्तियां हैं ये सब जो बता रहा है ये पूर्णता की संख्या को दर्शाते हैं। 7 नंबर अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको पूर्णता को दर्शाते हैं। लेकिन कलीसिया ये 7 संख्या का मतलब हो गया केवल वो जो 7 कलीसिया के लिए नहीं बल्कि संसार भर के सारे पूर्ण कलीसिया, पूरे कलीसिया।
और दस, दस संख्या भी एक पूर्णता का है लेकिन एक छोटा संख्या है, उसका जो गुणों में मल्टीप्लीकेशन में जो आता है वह बड़ी संख्या, लेकिन एक हजार को लेगा वो बड़ी है लेकिन वो छोटे समय का बड़ी संख्या बोला जाता है, लेकिन दस हजार को दस हजार से गुणा कर करके इस प्रकार जाएगा उसको ही केवल एक बड़ी संख्या, वो सब दस के गुण में आता है, मल्टीप्लीकेशन में आता है। इसके बाद बारहवीं संख्या, बारहवीं संख्या में मालूम है बारह गोत्र, बारह शिष्य लोग, इस प्रकार बारह के संख्या को भी पूर्ण संख्या कहते हैं, और उसी प्रकार बारह को बारह से गुणा करना या बारह को हजार से गुणा करना उसको बड़ा वाला एक पूर्णता, अर्थात सारे संसार के ईश भक्त लोगों को, ईश्वर के संतानों को सूचना देने वाला संख्या। तो ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मैंने बोला तीन, चार, सात, दस और बारह, लेकिन कुछ अपूर्ण संख्याएं भी है इसके अंदर मिलेगा, वन बाई फोर्थ, एक चौथाई, एक तिहाई, इस प्रकार बोल करके साढ़े तीन, ये सब जो है पूर्ण संख्या से कम होने के कारण पूर्णता नहीं है, उसको अपूर्ण संख्या कहते हैं, साढ़े तीन दिन, साढ़े तीन वर्ष, ये सब इसके अंदर एग्जाम्पल मिलेगा, और एक तिहाई भाग, एक चौथाई भाग, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, ये सब अपूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। लेकिन संख्या छः इसको भी अपूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि सात पूर्ण है उसे एक कम छः, उसको अपूर्ण संख्या ही कहते हैं। अपूर्ण संख्या की पूर्णता 666, तीन छः 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 लिखेगा, एक छः अपूर्ण संख्या है उसकी पूर्णता है, उसका मतलब अपूर्णता की पूर्णता को 666 बोलते हैं। 666 का एक क्लास ऑलरेडी ले चुका है। ये कुछ संख्या, कुछ कलर के विषय में भी हमारे प्रकाशन ग्रंथ के अंदर में मिलेगा। सफेद विजय का चिन्ह है, निर्मलता का चिन्ह है, और जो सफेद वस्त्र पहना हुआ इसका मतलब पवित्रता को कायम रखने के लिए पीड़ा सहन के द्वारा, मेमने के रक्त के द्वारा अपने को पवित्र करने वालों को दिखाने के लिए। उसी प्रकार यदि लाल रंग है वो आग का कलर है, वो लड़ाई का, युद्ध का और खून बरसाने का इसका सूचना देता है। काला मृत्यु, ब्लैक कलर, काला कलर मृत्यु को विशेष रूप से जो भूखमरी के द्वारा जो मृत्यु होता है उसकी सूचना के रूप में प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 के अंदर मिलता है ये सब। इसके बाद एक भीका कलर, हल्का पीला जो कलर है, ये जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है इस प्रकार जो बीमारियां जो फैलना और उसके द्वारा जो मृत्यु हो रहा है उसको दर्शाने के लिए वो कलर होता है, जो भीका कलर, जो हल्का पीला कलर जो है। इसके बाद जो बैंगनी कलर है, हमें मालूम है बैंगनी कलर प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 17:4 के अंदर सब हम मिलेगा, वहां पर इसको राजकीय कलर कहते हैं या पुरोहिताई कलर कहते हैं, और जो राजाओं का जो स्वभाव है सुखमय जीवन जीना, पाप का जिंदगी जीना, इसके लिए भी एक कलर के द्वारा दर्शाता है। अगला एक कलर और है स्वर्ण कलर, सोना का कलर, ये राजत्व को दिखाने के लिए राजा का जो कलर है वो चाहे भलाई या बुराई दोनों हो सकता है, और ईश पुत्र या मानव पुत्र इस प्रकार का सोना का जो कलर पहना है, माता मरियम सोना का कलर पहना हुआ, ये सब है, ये सब उनके राजकीय तो को दर्शाने के लिए, वो भलाई का कार्य करने वाले के रूप में दिखाने के लिए वहां पर हम लोगों को मिलते हैं। प्रतीकों में
कई व्यक्ति के या किसी जानवर के विषय में भी लिखा हुआ है, मानव पुत्र के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, ईश पुत्रों के विषय में, ईश्वर के दूधों के विषय में, और मेमने के बहु, मेमने के जो दुल्हा दुल्हन इसके रूप में, और कलीसिया के मुख्य लोग, और स्त्री एक स्वभाव के रूप में, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर कलीसिया का एक रूप भी है। इसके बाद एक वेश्या, वो बाबुल के जो दर्शाता है, वेश्या को बाबुल देश का प्रतीक के रूप में दिखाया है, या ईश्वर के लोगों को जो कष्ट देने वाला जो साम्राज्य है उसका एक प्रतीक है। इसके बाद मेमना, पाप मुक्ति के लिए अपना रक्त बहाने वाला, बलि अर्पित करने वाले का रूप में मेमने का, या कई ऐसा साम्राज्यों को दर्शाने के लिए जानवरों का कई चिन्ह है। यदि वो समुद्र से निकल कर क्या है, इसका मतलब समुद्र की शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर रहा है, या जमीन से निकल करके आने वाला जानवर को बता रहा है, इसका मतलब जमीन के जो राजाओं का फौजियों के द्वारा जो हरा करके जो रोमन देश में जो शक्तिशाली जो साम्राज्य है उड़ करके आया, उनको दिखाने के लिए, या सांब, सांब भी पाप का चिन्ह के रूप में ईश्वर और ईश्वर के जो विश्वास करते हुए जी रहा है उनके संतानों के विरुद्ध एक शत्रु के रूप में सांप को, सर्प को भी दर्शाया हुआ है। कई ऐसा वस्तुओं का भी प्रतीक हमें प्रकाशन ग्रंथ में मिलेगा। मुकुट के विषय में वो राजाधिकार के दिखाने के लिए, सिंहासन वो भी राजाधिकार को दिखाने के लिए, कई प्रकार के रत्न मोतियों के विषय में वो धन संपत्ति को, उनके प्रौढ़ी को दिखाने के लिए, या तलवार, तलवार कई जगहों पर ईश्वर का वचन के रूप में है, और ईश्वर द्वारा देने वाले दंड का प्रतीक के रूप में, और जो नाश होने के विषय में भी तलवार को दिखाता है, और तुरही बजाना, ईश्वर के आज्ञा का घोषणा करना, इसको, और जो पुरोहित बनने वाला जो लंबी वस्त्र के विषय में वो पुरोहिताई को, पुरोहित्य को दिखाता है, पुरोहिताई को दिखाता है, या जिस प्रकार मेमने का विजय उल्लास में हाथों में डायली ठानी पत्ता सब लेकर के वो विजय को दर्शाते हैं। कुछ और चिन्ह के विषय में प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है हुआ है, सिर वो अधिकार का चिन्ह के रूप में, कई जगहों पर आंखों को दिखाता है, वो ज्ञान का दर्शाता है, ज्ञान, सात आंख का मतलब है सब प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति, संपूर्ण ज्ञान को दिखाता है। यदि पंख को दिखा रहा है, इसका मतलब वो स्पीड, शीघ्रता से जो होने वाला है, इस प्रकार हम लोग सीख सकते हैं। इसके बाद संसार के विषय में, स्वर्ग के विषय में, भूमि के विषय में, आकाश के विषय में, समुद्र के विषय में, समुद्र का मतलब है जहाँ खतरा रहता है, आकाश का मतलब है ईश्वर और मनुष्य के बीच का एक घड़ी, भूमि दिखाता है मनुष्य की जगह, स्वर्ग दिखाता है ईश्वर की जगह, और पाताल लोग को दंड की जगह, और कटनी को दिखाता है, इसका मतलब सबों को के ऊपर न्याय का जो समय को दिखाने के लिए, और वाइन विनियार्ड ये सब दिखाता है, ये सब दंड और अंतिम न्याय के विषय में बताने के लिए। तो इस प्रकार का कई प्रतीक हमें इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। तो आगे फिर और भी कई चीजें बताकर दूंगा, आज केवल इतने में हम लोग समाप्त करते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस अपोक्लिप्टिक रचना शैली के द्वारा, नबियों के लिखावट के द्वारा,
ये जो पत्र कलीसिया को जो मिला है, हम लोगों को मिला है, हमें हिम्मत बांधने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए, मेमने के साथ जुड़े रहने के लिए, हमें प्रेरणा देने वाला इस प्रकाशना ग्रंथ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और आगे चल करके इसको अच्छी तरह समझने के लिए अनेकों प्रतीक, अनेकों बातें आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। प्रभु हमें सहायता प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।